हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, काफ़ी लोग मैसेजेस कॉल कर रहे थे कि सर मेरे पास मैसेज आया है, ये UPNHM के द्वारा आया है, तो उसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, मैसेज और कॉल और जो मेल भी आता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस आपके पास आए हैं जिन्होंने मेरे पास कमेंट्स किए थे, वो अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब जो आप मैंने आपको बता रखा था, जो मैसेज और कॉल अभी तक आ रहे हैं वो दोस्तों रिजल्ट के रिगार्डिंग नहीं आए हैं, ठीक है। रिजल्ट की मैं आपको डेट बताऊंगा यहाँ पे, आपको रिजल्ट के बारे में जो मैसेज आते हैं वो किस तरीके के आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जो भी कैंडिडेट्स मैंने आपको बताए थे कि जिनके अच्छे नंबर हैं, वो एक बार डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देख लीजिए। दोस्तों, डॉक्यूमेंट लिस्ट देखना बहुत ज़रूरी है, और मैसेज कॉल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको जब आपने फॉर्म लगाया था उससे ही बताता हुआ आ रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से रखें, क्योंकि आप सब लोग सिलेक्शन ले लेते हो लेकिन आपके अच्छे नंबर भी हैं लेकिन बाद में प्रॉब्लम से आती है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों रिजल्ट जैसे ही आता है उनके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो होती है वो फिर तुरंत की तुरंत नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर होना चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट मैं आपके लिए लेके आ गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, पिछली बार भी यही डॉक्यूमेंट्स लगे थे और ये दोस्तों आपके लिए अब की बार भी लगेंगे, तो इनको आप रेडी करके रखिएगा। मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, और दोस्तों मैंने आपको बता रखा सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ आऊँगा, क्योंकि जो गलतियां दोस्तों कर देते नए नए स्टूडेंट्स उनसे प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसीलिए वो ये गलतियां ना करें। देखिए आपकी जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये हैं, ये लिस्ट में लेके आया हूँ। काफ़ी साथी बोल रहे थे जिनके अच्छे नंबर हैं, वो बोल रहे थे कि सर एक बार डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पहले से ही बता दीजिए, तो उस हिसाब से हम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेंगे। जी हाँ साथियों, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रस्ट है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, काफ़ी अच्छे नंबर हैं और दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी उन्होंने, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये देखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखिए आप। देखिए यहाँ पे आपके जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10th 12th GNM के जो है, और BSc नर्सिंग जो भी किया हुआ है आपने उसका सर्टिफिकेट, और देखिए कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नर्सेज मिडवाइफरी का, उसके बाद में आपका जो है कोविड एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लगाइए। 200 नंबर मिलेंगे कोविड एक्सपीरियंस के, ठीक है। आप सबको पता है, मैंने बता रखा है, 1 साल के, 6 महीने के और 2 साल के कितने नंबर मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आपके पास कोविड सर्टिफिकेट होगा तो। नेक्स्ट जो बात है दोस्तों, आपके सर्टिफिकेट की देखिए, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अपलोड और पोर्टल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया है वही आपके लिए चाहिएगा यहाँ पे, ठीक है। चेंज मत करिएगा उसको, जो आपने करवा दिया है, जो अपलोड कर दिया है वही चाहिएगा यहाँ पे, और वो दोस्तों वैलिड होना चाहिए जो मैंने आपको डेट के अकॉर्डिंग बता रखा था। उसके बाद में आपको कोई आईडी प्रूफ चाहिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी प्रूफ, परमानेंट मेलिंग एड्रेस प्रूफ, उसके बाद में आपको फोटो चाहिएंगे और आपका एडमिट कार्ड भी चाहिएगा, इसको ध्यान से संभाल के रखिएगा, और एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, और जो नेक्स्ट बात है आपकी, यहाँ पे आप सबके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों, ये आपके जनरल फिटनेस और रिपोर्ट और ऑफ एक्सरे की, और यहाँ पे जो है आई का आपका चेकअप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल चीज़ रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों CHO में और स्टाफ नर्स में ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और यही आपके लिए वैलिड रहेंगे, ठीक है। इसमें से आपको बस क्या है, ये श्योरिटी बॉन्ड है, ये आपको हटा देना है, ठीक है। श्योरिटी बॉन्ड इसमें नहीं आएगा। स्टाफ नर्स में जो पिछली बार डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो यही मांगे गए थे, और अगली बार भी यही मांगे जाएंगे, तो इनको आप ध्यान से रख लीजिए। दोस्तों ये ज़रूरी है पहले ही जानना, क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी लोगों का हो जाता है, लेकिन दोस्तों मेन चीज़ जो आपके लिए रहेगी इसमें, एक आपका OBC का सर्टिफिकेट रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा आपका जो है, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और आपका होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ दो मायने रखेंगे, और फीमेल्स के लिए जो है उसके पिता पक्ष से ही उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा, ये चीज़ ध्यान से रखिएगा। और दोस्तों देखिए, जो मेल और मेल की बात कर रहे थे, सर मेरे पास ये मेल आया है और मैसेज आया है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए कोई भी अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है, आपको अपना जो वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने दिए होंगे उस पे जो है आपके लिए मैसेज आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा किसी के पास नहीं आया है। जो मैसेज आया है वो अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आया है, ठीक है। NHM के द्वारा ही आया था, लेकिन वो अदर इन्फॉर्मेशन आई थी, वो रिजल्ट के बारे में नहीं था, ये मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रख लीजिए, और मैंने आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दिया है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए, और दोस्तों वैकेंसी भी मैंने आपको बता रखी है। चलिए अभी के लिए इतना ही, कोई भी नई जानकारी चाहिए आपको बता देंगे दोस्तों, अभी के लिए इतना ही साथी, धन्यवाद।